लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि आगामी सेब सीजन से पहले खस्ताहाल सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाएगा ताकि बागवानों को अपने उत्पाद मंडियों तक पहुंचाने में परेशानी ना हो। उन्होंने शिमला में बताया कि सेब सीजन की तैयारियों को लेकर समय समय पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अधिकारियों को बागवानों की समस्याएं हल करने और सड़कों की उचित देखरेख के निर्देश दिए गए हैं। सेब सीजन है, उसमें खास करके जो सेब बाहुल्य क्षेत्र है वहां के बागवानों को ट्रांसपोर्टेशन में कोई कमी ना पड़े, कोई तकलीफ ना पड़े, सड़कों की हाल ठीक रहे, इसलिए हम उस पर लगातार कार्य कर रहे हैं। अभी एनुअल मेंटेनेंस प्लान के अंतर्गत भी काफी बजट अलग अलग डिवीजन को जो है सड़कों के रखरखाव के लिए, टारिंग के लिए और रीकोटिंग के लिए प्रोवाइड करवाया गया है, और जिन क्षेत्र में ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन और ज्यादा जहां से जो है वो झुकाव रहता है उन एरियाज के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शंस जो है वो डिपार्टमेंट को दी गई है, क्योंकि इस बारी एक्सटेंडेड मॉनसून्स है और कई जगहों पे इस समय तक टारिंग का काम शुरू हो जाता है, मगर क्योंकि अभी भी बरसात जो है वो चली हुई है इसलिए उसका काम थोड़ा डिले जरूर हो रहा है, मगर हम लगातार इसके ऊपर कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं और मैंने डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारियों को इसमें सख्त निर्देश दिए हैं कि इसमें बिल्कुल भी कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। हमारे बागवानों को कोई भी दिक्कत जो है अपने सेब ढुलान में ना आए, या और भी चाहे नाशपाती है चाहे प्लम है उनके ढुलान के लिए ना आए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। प्रदेश में खेलों के विकास पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नई खेल नीति तैयार करने के लिए सभी खेल संघों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी सितंबर व अक्टूबर माह में प्रदेश सरकार ग्रामीण ओलंपियाड खेलों का भी आयोजन करेगी, जिसमें करीब 40,000 महिला व पुरुष खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। एसोसिएशंस है हिमाचल प्रदेश के अंदर, अलग अलग जो संघ है, खेल संघ है, उनके अध्यक्षों के साथ जो है वो बैठक करने का निर्णय लिया है और बहुत जल्द उन सबके साथ बैठक की जाएगी। उनके सुझाव इसमें लिए जाएंगे, क्या क्या वो चाहते हैं, किस तरीके से हम अपनी नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लेकर आए, उनके सुझावों को भी पूरी तवज्जो दी जाएगी और उसके बाद फिर उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखिए अभी उसकी रूपरेखा बन रही है, 2-3 दिन पहले ही मैंने इसके साथ अपने विभाग के साथ बैठक करी है और उसमें हमने उसका एक पूरा शेड्यूल जो है वो सितंबर अक्टूबर के महीने का बनाया है, जिसमें करीबन अभी तक जो प्रपोज्ड है करीबन 40,000 युवाओं के पार्टिसिपेट करने का उसमें प्रावधान रखा गया है, जिसमें करीबन 20,000 पुरुष और 20,000 जो है वो महिलाएं लड़कियां पार्टिसिपेट करेंगी, और अभी इसको हमने अंडर 28 जो है वो प्रपोज किया है, जिसमें क्रिकेट को छोड़कर बाकी सारे जितने रूरल गेम्स है, आपके एथलेटिक्स है, आपके कबड्डी है, खो खो है और बॉक्सिंग है, वॉलीबॉल है और ऐसी गेम्स जो है उनको हम इसमें पूरी तरीके से जोड़ने का प्रयास करेंगे।